तो हेलो गुड गाइस, आपका मेरी एक और न्यू वीडियो के साथ फार्मिंग सिमुलेटर 18 में स्वागत है। तो गाइस यहाँ पर पिछली बार आपने देखा ही होगा कि अपने ने एक न्यू हार्वेस्टर खरीदा था। बाकी गाइस ये जो न्यू शोइंग मशीन है उसको भी खरीदा था, और एक कल्टीवेटर मशीन, और एक गाइस वॉल्ट्रा का जो था ट्रैक्टर उसको भी खरीदा था। बाकी गाइस आज का अपना जो प्लान है गाइस यहाँ पर फार्म खरीदने का, और गाइस यहाँ पर कौन से फार्म है मैं बता ही देता हूँ। मैप में देख लो, ये जो फार्म दिख रहे हैं ये एक 5,50,000 डॉलर वाला, दूसरा है गाइस ये 12 लाख डॉलर वाला, और ये है गाइस यहाँ पे 4,50,000 डॉलर वाला, बाकी गाइस ये है 2,50,000 डॉलर वाला। तो ये जो फार्म दिख रहे हैं चार फार्म, इनको अपने ख़रीदने वाले, और साथ ही में गाइस एक न्यू फर्टिलाइज़र मशीन भी ख़रीदने वाले हैं। सीडिंग के लिए बंदे को हायर कर दिया है, और बाकी फटाफट यानी कि अपना जो फर्स्ट राउंड अभी हार्वेस्टिंग का शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि गाइस यहाँ पे फसल उगना अभी बाकी है, बाकी सीटिंग का काम अपने को निपटाने का है, तो उसको एकदम स्पीड में निपटा दे एकदम। बाकी गाइज यहाँ पे देख लो गाइज जो अपना फार्म है गाइज वहाँ पे फसल आ गई, लेकिन गाइज अपने से एक गलती हो गई। अपने ने जो न्यू मशीन खरीदी यानी शोइंग मशीन, उसमें गाइज अपनों ने यानी कि कैनोला की सीडिंग का सेट नहीं किया था। तो गाइज यहाँ पे अपने जितने भी फार्म है उन सब में यहाँ पे इस बार यानी कि जो फर्स्ट सेक्शन के जितने फार्म है उनमें गाइज यहाँ पे वीट की सीडिंग हो गई, लेकिन गाइज यहाँ पे देख लो थोड़ी सी जो उस साइड पर यानी कि जो है यहाँ पे कैनोला की सीडिंग हुई। और वो क्यों हुई गाइज, यहाँ पे पिछली बार ही अपने यानी कि जब दोनों मशीन का कंपैरिजन किया था यानी कि जो अपने न्यू खरीदी वो और इससे पहले वाली जो अपने पास थी वो, तो गाइज उसमें कैनोला के सीड्स हैं सेट किए हुए, और ये जो मशीन जो अपने न्यू खरीदी थी उसमें वीट की जो सीडिंग सेट हुई थी, इसलिए गाइज यहाँ पर पूरे जो फार्म थे गाइज उसमें तो गाइज यहाँ पर वीट की सीडिंग हो गई। लेकिन गाइज ये इतनी सी जो जगह है गाइज यहाँ पर अभी अपने यानी कि जो बोलते हैं कैनोला यानी कि उग गया है। तो गाइज अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को जो अपना हार्वेस्टर की मशीन है उसको ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा गाइज मिक्स हो जाएगा दोनों, तो दिक्कत आएगी। वैसे तो गाइज यहाँ पे मशीन अपने को पहले से इन्फॉर्म कर ही देने वाली है कि गाइज यहाँ पे कुछ नहीं होगा, देख ही लेते गाइज क्या होता है। देख लो मशीन ने इन्फॉर्म कर दिया, और गाइज यहाँ पर थोड़ा बहुत था उसको भी यहाँ पर सेट कर लिया, बाकी अब अपना कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अपने को बस फटाफट गाइज हार्वेस्टिंग करनी है, और ये फर्स्ट राउंड अपना हार्वेस्टिंग का चल रहा है, तो फटाफट गाइज यहाँ पर निपटा दें। और ये कैनोला को अपने क्या कल्टीवेटर की जो मशीन उससे कट ही कर देंगे, अभी इतना कैनोला कहाँ पे बेचने जाएंगे, इसीलिए बाकी फटाफट गाइज यहाँ पे रुक जाओ सही तरीके से। मैं यहाँ पे स्पीड में काम करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, लेकिन रुक जाओ स्पीड में। अब गाइज यहाँ पे बंदे को हायर करते हैं और फटाफट ये काम निपटा देने वाले हैं। देख लो बाकी दूसरे सेक्शन में तो गाइज जो नॉर्मल चलता है, कैनोला वाली सीडिंग ही चल रही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी फटाफट जो काम है उसको निपटा रहे हैं। बाकी गाइज यहाँ पे गाइज अपने सीडिंग का काम था वो हो गया, लेकिन गाइज जो दूसरा राउंड है सीडिंग का उसको शुरू कर दिया, और जो कैनोला की सीडिंग इस बार अभी उन्होंने शुरू किया है, और अपना बैलेंस तो देख ही सकते हो गाइज 1,70,000 डॉलर के पास पहुँच चुका है। और अपने ने बोला है कि फर्टिलाइज़र मशीन जो है उसको ख़रीदेंगे, वैसे अपने पास एक है लेकिन वो छोटी बहुत है, इसीलिए गाइज अपने न्यू वाली फर्टिलाइज़र मशीन खरीदने वाले। वैसे फार्म भी खरीदने का, लेकिन फर्टिलाइज़र जितनी जल्दी छिड़केंगे उतनी ज़्यादा यानी कि फसल सेफ भी लगेगी और जल्दी उगेगी, जिससे अपना पैसा बढ़ेगा और फार्म खरीद पाएंगे। तो गाइस चलते हैं सीधा शॉप में, और अभी अपने पास गाइस ये वाली फर्टिलाइज़र मशीन है जो उन्होंने जब शुरू किया था तब से ही अपने पास यानी कि खरीदी हुई है, बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ ये वाली जो फर्टिलाइज़र मशीन है इसको ख़रीदने का। देख ही सकते हो गाइस एक साथ में 24 फुट जितना जो एरिया है उसको कवर करती है, और ये 6 फुट जितना एरिया कवर कर सकती है, मतलब कितना ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। बाकी इसकी जो कैपेसिटी यानी कि फर्टिलाइज़र रखने की वो भी ज़्यादा यानी कि 4,500 किलोग्राम जितनी गाइस यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है, और इसकी 700 किलोग्राम जितनी गाइस यहाँ पे
कैपेसिटी है। बाकी कीमत भी गाइस इससे ज़्यादा है, ये 15,000 डॉलर की है और ये है 1,25,000 डॉलर की। तो आराम से गाइस यहाँ पर इसको खरीद ही सकते हैं। मैं फटाफट गाइस ये जो मशीन है इसको खरीद ही लेता हूँ। गाइस यहाँ पे जो अपना ट्रैक्टर है उसको लेके पहुँच चुके हैं गाइस, ये जो अपनी न्यू फर्टिलाइज़र मशीन है उसको लेने के लिए। बाकी देख लो क्या ही लुक लग रहा है। बाकी फटाफट मैं इसको अटैच कर देता हूँ जो अपना ट्रैक्टर है उसको, और इसको सबसे पहले मेरे को फील कराना पड़ेगा। तो चलते हैं और इसको जितना फर्टिलाइज़र भी आ सकता है उसको भी भराते हैं और देखते हैं कितने का फर्टिलाइज़र जाता है एक बार में इसको फिल कराने में। गाइस देख लो यहाँ पे अपनी जो फर्टिलाइज़र मशीन उसको फिल कराने के लिए लेके आ गए, और अपना बैलेंस गाइस यहाँ पे 48,000 डॉलर था और 18,000 या 17,000 डॉलर अपने चले गए गाइस इसको एक बार में पूरा फिल कराने में। क्योंकि फटाफट इसको लेके चलते हैं उस फार्म पे जहाँ पे भी अपना फर्टिलाइज़र छिड़कने का काम चालू था। बाकी गाइस देख लो ये जो फार्म है गाइस यहाँ पे अभी अपना फर्टिलाइज़र छिड़कने का बाकी है, और इससे पहले वाले अपने पास ये वाली मशीन थी जो आपने देखा ही होगा, यानी कि कुछ 6 फुट जितना एरिया कवर करती थी। बाकी गाइस इस मशीन को शुरू करने का टाइम आ गया, तो गाइस यहाँ पे कर देते शुरू। और देख लो गाइस यहाँ पे और क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे लग रही है भाई, यहाँ पे मशीन को शुरू कर दिए। फटाफट मैं यहाँ पे बंदे को हायर कर देता हूँ, और मेरे हिसाब से कुछ 2 राउंड में तो आराम से ये जो फार्म है इसको पूरा फर्टिलाइज कर देने वाली है। बाकी गाइस अभी अपना ये वाला जो ट्रैक्टर है इसको भी अपना ये वाली जो फर्टिलाइज़र मशीन है यानी कि पुरानी वाली उसके साथ अटैच कर दिया, और अब इसका यूज़ अपना जो अपना दूसरा वाला जो सेक्शन है वहाँ पे करने वाले। क्योंकि गाइस अपना दूसरा सेक्शन है उसमें फर्टिलाइज़र अपने छिड़कते ही नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर भी छिड़केंगे। बाकी फटाफट काम शुरू कर देते हैं। गाइज यहाँ पे देख ही सकते भाई जो कैनोला की सीडिंग की थी उसकी फसल आ गई, तो हार्वेस्टिंग के लिए बंदे को हायर कर दिया। लेकिन गाइज यहाँ पे वीट की जो फसल उगाते हैं उससे अपने को इतना प्रॉफिट नहीं होता जितना है जो कैनोला की फसल उगाने से होता है। बाकी फटाफट अपने को काम निपटाना है, तो मैं फटाफट इसको निपटा रहा हूँ। सेकंड राउंड हार्वेस्टिंग अपनी चल रही है। हाँ भाई गाइस फिर से जो इन वाला बंदा है उससे अपनी गाइस डील हुई, वो अपने को 1.8 टाइम्स ज़्यादा देगा नॉर्मल प्राइस से। और गाइस देख लो क्या है ज़बरदस्त अपने को पैसे मिल गए, अपने पास 1,30,000 डॉलर थे और बहुत ही ज़बरदस्त पैसे मिल गए। बाकी अभी एक और ट्रेलर आ रहा है कैनोला का, तो उसको भी डिलीवरी कर देते हैं। और बाकी गाइस यहाँ पे जो अपना थर्ड राउंड हार्वेस्टिंग का वो भी शुरू हो गया है। बाकी जो अपना बैलेंस है वो बढ़ ही नहीं रहा, और यहाँ पे मुझे लगता है गाइस फर्टिलाइज़र में अपना ज़्यादा पैसा जा रहा है, इसीलिए अब इसके बाद वाला जो भी राउंड चलेगा सीडिंग का उसमें फर्टिलाइज़र अपने नहीं छिड़कने वाले। बाकी फटाफट जो काम है उसको निपटा दें। और बाकी गाइज यहाँ पर अपना जो बैलेंस है देख ही सकते हो 6,18,000 डॉलर तक पहुँच चुका है। बाकी गाइज यहाँ पे जो अपना कैनोला है अब इसको गाइज यहाँ पे जो सिलोज है अपनी उसमें स्टोर करा रहा हूँ। वैसे गाइज यानी कि जो फर्स्ट वाला सेक्शन का जितना भी कैनोला निकलेगा उसको बाकी जो दूसरे सेक्शन से जो छोटा ट्रेलर भर के निकलता है कैनोला उसको तो अपने बेच ही देंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पे अपने जो कैनोला के प्राइजेज हैं
काफ़ी ज़्यादा डाउन चले गए, काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन जो ज़्यादा मिलती थी वो अपने बहुत समय से अपने यानी कि कैनोला ही बेच रहे, तो गाइस प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है। और मैं सोच रहा हूँ गाइस अभी अपने यानी कि फर्स्ट सेक्शन से जितना भी कैनोला निकलेगा उसको अपनी जो सिलोज है उसमें ही स्टोर करेंगे, ताकि क्या हो अगर कोई अपने को अच्छी डील मिली कि अपने को कुछ ज़्यादा पैसे देगा तो उसी में इतने ही टाइम में उसको ही पूरा कैनोला बेच देंगे, बाकी जब प्राइसेस हाई होगी तब बेचेंगे। बाकी अपना बैलेंस देख ही सकते हो, अपनों ने बोला था फार्म खरीदने का, तो भाई इसमें चलता हूँ मैं अपने। और वैसे तो भाई 3 फार्म अभी खरीद सकते हैं अपने पास जितना बैलेंस है उसने में, जैसे एक ये हुआ, एक ये वाला हुआ और एक ये वाला है। बाकी गाइज ये जो 2 फार्म है गाइज ये थोड़ा बाहर साइड जा रहे हैं इसीलिए इनको भी इतने नहीं खरीदने वाले हैं, लेकिन ये वाला जो फार्म है $550,000 जिसकी प्राइस है, ये मतलब दूसरे सेक्शन में अपने इसको सेट कर सकते हैं। तो गाइज मैं इसको यहाँ पर खरीद ही लेता हूँ पैसे देके। और गाइस देख लो अपना बैलेंस $60,000 तक पहुँच गया, बाकी मेरे हिसाब से चौथा राउंड ही कुछ हार्वेस्टिंग का चल रहा है, बाकी फटाफट गाइस जो काम है उसको निपटाते हैं अपने। देख लो गाइस अभी अपने जो $550,000 देके जो फार्म खरीदा है वहाँ पे भी सीडिंग का काम शुरू हो गया, बाकी साइज तो देख ही सकते हो फार्म की कितनी ही बड़ी है, बाकी फटाफट काम को निपटाते हैं अपने। बाकी गाइस यहाँ पे अभी अपने देखा ही होगा कि अपने ने बोला था कि अपनी जितनी भी फसल निकलेगी कैनोला की फर्स्ट सेक्शन से उसको अपने यहाँ पे ये जो अपने सिलोज है उसमें स्टोर करेंगे, लेकिन गाइस यहाँ पे अपना जो 4th या 5th राउंड गाइस यहाँ पे हार्वेस्टिंग का शुरू हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना गाइस एक बार पूरा ही चेक कर लिया जाए कि पूरे फर्स्ट सेक्शन से कितनी फसल निकलती है कैनोला की और उसको बेच कर कितना पैसा आता है। बाकी अभी देख लेते पूरी सिलो खाली हुई है कि नहीं, तो देख लो अभी 8,000 जितना कैनोला बचा हुआ है, तो इसको मैं फटाफट बेच के आता हूँ, फिर फटाफट बंदे को हायर कर देते और बेकरी पे प्राइस तो कम मिल रही है लेकिन गाइस बेच देते अपने को क्योंकि खाली करने इसीलिए। बाकी गाइज अभी अपनों ने ये वाला ट्रेलर अटैच कर दिया है क्योंकि गाइज इसकी कैपेसिटी भी 8,000 किलोग्राम की है और गाइज अपने पास 8,000 किलोग्राम ही कैनोला है, तो फटाफट इसको फिल कर लिया है। और देख लो गाइज कैनोला भी पूरा क्लियर हो गया है, बाकी इसको भी अपने इसीलिए लिया क्योंकि गाइज यहाँ पे अपनी जो हार्वेस्टर की बकेट है वो फुल हो गई, और अपना जो दूसरा जो वाला फार्म है देख ही सकते हो यहाँ पे मैप में वहाँ पे भी, और तीसरा फार्म पे भी गाइज यहाँ पे फसल आ गई, तो फटाफट अपने को यानी कि काम करना पड़ेगा क्योंकि इसको भी बेच आते हैं। और अब गाइज जितने भी पूरी सिलो भराएगी यानी कि फर्स्ट सेक्शन के जो शुरू से है गाइज उसी से भराएगी, बाकी फटाफट काम को निपटा दें। जो भी अपने ने $550,000 देके जो न्यू फार्म खरीदा उसमें गाइज यहाँ पे दिक्कत आ गई। दिक्कत तो वैसे कोई बात की नहीं है लेकिन गाइज ये जो फार्म है देख लो इसके पास ही में एक पेड़ उगा हुआ है जिसकी वजह से गाइज यहाँ पे अपने को इस वे में गाइज यानी कि जो बोलते हैं ये लाइन में अपने इसे यानी कि हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि गाइज बंदा गाइज ड्राइव करता है तो उसको यहाँ पे टर्न लेने में दिक्कत आती है। तो मेरे हिसाब से गाइज एक रो अपने यहाँ पे फटाफट ऐसे ही कर देते हैं, बाकी अगली बार से जब अपना हार्वेस्टिंग करेंगे तो गाइस ये ऐसी लेन में अपने को करना पड़ेगा हार्वेस्टिंग, फिर अगली बार से अपने को ऐसे करेंगे, लेकिन अब अपने ने ऐसे कर दी तो फालतू में ज़्यादा टाइम जाएगा और बस यही एक लाइन में अपने को टाल लेने में दिक्कत आ रही है, तो अपने इसको संभाल लेते हैं। बाकी इस पेड़ का अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो गाइस उसको भी अपने बाद में देखेंगे, लेकिन अपना काम फटाफट निपटाने का तो उसको अपने निपटाते पहले। और बाकी गाइस देख लो यहाँ पे उन्होंने फिर से हार्वेस्टिंग शुरू कर दी, वैसे हार्वेस्टिंग के लिए बंदे को हायर कर दिया ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि गाइस ये एक ही लाइन में अपने को यानी कि टर्न लेने में बंदे को दिक्कत आ रही है और वो भी इस पेड़ के वजह से, क्योंकि ये जो फार्म है इस पे यानी कि जो स्क्वेयर ही है तो अपने कहीं से भी हार्वेस्टिंग या सीडिंग शुरू करें तो कोई टाइम का इतना फ़र्क नहीं आने वाला है, तो वैसे भी कर सकते हैं लेकिन ये अपने को ईजी पड़ता है क्योंकि इस फार्म के बाद सीधा ये अपना फार्म आ जाता है तो डायरेक्ट वहाँ पे हार्वेस्टिंग के लिए चले जाएंगे इसीलिए। बाकी और कोई बात नहीं, फटाफट काम को निपटाते हैं।
कि गाइज ये अपना लास्ट वाला ट्रेलर है जो अपने को फर्स्ट सेक्शन से मिला है, यानी कि 3 ट्रेलर अपने को मेरे हिसाब से मिले गाइज यहाँ पे ये। बाकी देख लेते गाइज फर्स्ट सेक्शन से पूरा कितना केनोल अपना निकला है। तो देख लो गाइज यहाँ पे 58,000 ग्राम जितना केनोला निकला है, देख ही सकते हो मतलब। बाकी देख ही सकते हो यहाँ से अपना जो फर्स्ट सेक्शन है उससे कितना ज़्यादा केनोला निकला। वैसे अपने फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था यानी हर फार्म में। बाकी फटाफट अभी अपना मेरे हिसाब से कुछ 7वां राउंड मेरे हिसाब से चल रहा होगा जो बोलते ना गाइज हार्वेस्टिंग का। बाकी कुछ अपना आगे पीछे भी हो सकते हैं, अपने को गाइज यहाँ पर बेस्ट डील आने का इंतज़ार है। जैसे कोई अच्छी डील अपने को मिली नहीं तो वैसे अपने ना पूरा केनोला बेचा नहीं। बाकी देख लो काम तो अपना चल ही रहा है, और अपना जो सेकंड वाला सेक्शन है बस अभी अपना उसी की गाइस जो निकल रही है फसल उसी को बेच रहे हैं, क्योंकि जो अपनी प्राइसेस है केनोला की थोड़ी बहुत डाउन चली गई है, अपने इतना ज़्यादा बेचा इसीलिए। बाकी जो अपना हार्वेस्टर उसको भी यहाँ पे फ्यूल म्यूल टंकी मंकी फुल करा लिया, फिर से गाइस अपने को वही काम करने का, मैं उसको निपटा रहा हूँ एकदम स्पीड में। और बाकी गाइज यहाँ पे जिस डील का आपने इंतज़ार कर रहे थे वो आ गई गाइज। देख लो यहाँ पे जो केनोला है मिल को ज़रूरत है और 1.6 टाइम ज़्यादा अपने को देगा गाइज यहाँ पे अगर अपने इतने टाइम में डिलीवरी देंगे तो। गाइज अपने डील को एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे ये अपना यानी कि जो है गाइज पूरा हो गया, यानी कि फर्स्ट सेक्शन का जो लास्ट वाला फार्म था वहाँ पर हार्वेस्टिंग का काम भी पूरा हो गया। और इसके पहले मैं सोच ही रहा था कि अपनी जितनी भी सूल है उसको खाली कर देते, क्योंकि गाइज यहाँ पे कितने ही समय से यानी कि ये 3rd राउंड हुआ जब से यानी कि अपने यानी कि जो अपना केनोला है उसको सिलो में स्टोर कर रहे हैं। बाकी इसको मैं फटाफट यहाँ पे नाक देता हूँ और पूरा ट्रैक्टर भी अपना फुल हो चुका है। बाकी गाइज ये जो ट्रैक्टर है उसको मैं पहले वहाँ पर ले जाता हूँ और उसको सिलो में नाक के देखता हूँ कि गाइज 3 राउंड में अपना कितना केनोला निकला है। और फर्टिलाइज़र छिड़ेगा ही था अपने तीनों के तीनों राउंड में, बाकी थोड़ा बहुत अपना हार्वेस्टर में, तो उसको भी पहले लाते हैं और उसको भी नाक ही देने वाले अपने। और बाकी गाइस देख लो जो हार्वेस्टर में थोड़ा बहुत केनोला बचा हुआ था उसको भी मैं लेके आ गया हूँ और इसको भी नाक देते और स्टेटिस्टिक्स में चलते हैं फटाफट और देखते हैं अपने पास कितना टोटल केनोला हुआ है। और गाइस देख लो यहाँ पर 1,78,000 किलोग्राम जितना केनोला अभी अपने पास स्टोरेज में हैगा। बाकी वैसे अपने पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, तो फटाफट गाइज यहाँ से अपना जितना भी केनोला हो सकता है इतने टाइम में फटाफट बेच देंगे। तो गाइज देख लो मेल पे अपने को डिलीवरी देने की, तो फटाफट गाइज बंदे को हायर कर देंगे पूरा काम अपने डिलीवरी में ज़्यादा अपने समय देने वाले, क्योंकि गाइज जो डील का अपने इंतज़ार कर रहे थे वो आ गई इसीलिए। और बाकी गाइज अभी अपना ये वाला जो है ट्रैक्टर उसको भी अपना ये जो खाली ट्रेलर पड़ा हुआ था इसके साथ जोड़ दिया। और गाइज अब तो गाइज ट्रेलर भर के केनोला जाने वाला है मिल पे, क्योंकि गाइज अपने पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है और इतने ही टाइम में अपने को बेचने का है। तो फटाफट गाइज यहाँ पे बंदों को हायर करते जाते हैं, यहाँ से भरते जाते हैं और फटाफट मिल पर अपना केनोला पहुँचाते जाते हैं। देख लो
यहाँ पे जो अपना टाइम था गाइज वो हो गया है पूरा। और देख लेता हूँ गाइज यहाँ पे अभी अपनी सीलों में कितना कैनुला बचा हुआ है। और अभी भी गाइज देख लो यहाँ पे 70,000 किलोग्राम जितना जो कैनुला है वो अपनी सिलोज में हैगा। कि गाइज यहाँ पे अभी अपनी जितनी स्पीड हो सकी उतनी स्पीड में तो मैंने बेचने की कोशिश की। बाकी देख ही सकते हो अपना बैलेंस गाइज 7,70,000 डॉलर के पास पहुँच चुका है। और अपना बैलेंस है सीधा अपना विचार है गाइज 12 लाख डॉलर करने का, और करके ये वाला जो सबसे बड़ा वाला फार्म है इसको ख़रीदने का है। तो भाई बैलेंस बहुत तगड़े तरीके से बनाना पड़ेगा अपने को, फटाफट काम करते हैं अपने। बाकी गाइस यहाँ पे भी ना फसल निकाली अपने जो हार्वेस्टर उसके अंदर से, और मैं दिखाता हूँ मील पे जो कैनोला की प्राइस देख लो गाइस यहाँ पे मील पे कितनी ज़्यादा कम हो गई है गाइस जो कैनोला की प्राइस है वो। बाकी दूसरी जगह देख ही सकते हो गाइस यहाँ पे स्टेशन और जो हार्बर है वहाँ पे बढ़ गई है। तो फटाफट गए इस बंदे को हायर करके भेज देते हैं यहाँ पे बेचने के लिए कैनोला को। और बाकी गाइस यहाँ पर कोई अचीवमेंट भी अनलॉक हुआ है जिसके अपने को कुछ 10,000 डॉलर अभी मिल गए। बाकी फटाफट काम बहुत स्पीड में अपने निपटा रहे हैं अभी देख ही सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर अपने हार्वेस्टिंग उसका कुछ 8वां या 9वां राउंड चल रहा है। बाकी गाइस यहाँ पे अपने 2 या 3 राउंड से अपने यानी कि जो बोलते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन की जितनी भी फसल है यानी कि जितना भी कैनोला निकल रहा है उसको अपने यानी कि जो अपनी स्टोरेज है उसमें स्टोर कर रहे हैं, बेच नहीं रहे। बाकी सेकंड सेक्शन की जितनी यानी कि कैनोला है उसको ही बेच रहे हैं। लेकिन अपना बैलेंस देख लो 8,10,000 डॉलर के पास पहुँच चुका है। वैसे गाइस एक अच्छी डील आई थी तो अपने यानी कि कैनोला बेच दिया था ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी 70,000 डॉलर जितना बच गया था। बाकी अभी देखते हैं देख लो गाइस 1,20,000 डॉलर जितना कैनोला समझ लो अपनी स्टोरेज में आएगा। तो गाइस यहाँ पे यानी कि अपना एक और राउंड कुछ चला था तो उससे आ गया है। बाकी फटाफट गाइस अब इसको बेचना पड़ेगा तो ही अपने पास ज़्यादा पैसे आएंगे और तो ही अपने फार्म खरीदेंगे। बाकी फटाफट क्योंकि अब अपने डील का इंतज़ार नहीं कर सकते इसीलिए बंदे को हायर करते हैं हार्बर पर अच्छी प्राइस है तो वहाँ पर बेचते और पूरी की पूरी जो स्टोरेज है उसको खाली करते हैं फटाफट। और यहाँ पे गाइस कोई न्यू अचीवमेंट भी अनलॉक हो की गाइस यहाँ पे देख ही सकते हो गाइस जो अपना बैलेंस है गाइस 13.5 लाख डॉलर तक पहुँच चुका है। और जो अपना सबसे बड़ा वाला फार्म है जो ये है इसकी कीमत गाइस देख लो 12 लाख डॉलर है। भाई यहाँ पे मैं फटाफट पैसे दे के इसको खरीद लेता हूँ और ख़रीद लिया यानी क्या सबसे बड़ा वाला फार्म जो था उसको भी अपने ख़रीद लिया। अब अपने 2 ही फार्म खरीदने के बाकी, एक ये वाला जिसकी कीमत है 4.5 लाख डॉलर और एक ये वाला जिसकी कीमत है 2.5 लाख डॉलर। बाकी इनको अपने ख़रीद लेने वाले, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला फार्म अपने ख़रीदने का था वो ख़रीद लिया। मतलब अपने ने तो सोच लिया था सिंपल जो प्राइस मिलेगी उसमें ही कैनोला का बेच देंगे, लेकिन बीच में ही यहाँ पे अपने पास एक डील अच्छी सी आ गई। यहाँ पे हार्बर वाले बंदे से अपनी डील हो गई तो गाइज अपना काम बन गया। तो ही इतने ज़्यादा मतलब अपने कितनी ज़्यादा प्राइस मिल रही थी यानी कि जो डील में जितनी प्राइस मिलती इतनी मिल रही थी। बाकी फटाफट अपने को और 2 फार्म खरीदने के तो फटाफट उस काम को भी निपटा दें। बाकी गाइज ये वाला जो ट्रैक्टर है गाइज जो अपना फर्टिलाइज़र छोटी वाली फर्टिलाइज़र मशीन का आगे लगा हुआ था उसको भी मैंने ट्रेलर के साथ अटैच करके गाइज यहाँ पे जितना हो सका उतना यानी कि बेचने की कोशिश की है कैनोला को। और अभी देख लेते अभी अपने पास कितना कैनोला स्टोरेज में पड़ा है देख लो गाइस 45,000 किलोग्राम जितना यानी कि कैनोला अभी अपने पास हैगा। और मेरे हिसाब से गाइस जब अपने बेचा था तब कुछ शायद 90,000 या फिर 1 लाख के ऊपर ही यानी कि था जब अपने बेचना शुरू किया था तब। अपने को इतना याद नहीं है लेकिन होगा इतना ही। बाकी फटाफट काम अपने को और करने का जा रहा है फटाफट शुरू कर दे रहे हैं। और
यहाँ पे गाइस जो भी अपने 12 लाख डॉलर देके जो फार्म खरीदा है गाइस उस पर सीडिंग का काम शुरू हो गया, यानी कि जो फर्स्ट सीडिंग होती है उसका काम भी अपने शुरू कर दिया बंदे को हायर करके। देख लो बाकी ये कितना ही बड़ा वाला फार्म है, बाकी फटाफट अभी अपने को काम निपटाने का गाइस, उसको निपटा दे। बाकी गाइस यहाँ पे देख लो गाइस जो भी अपने 12 लाख डॉलर देखे जो फार्म खरीदा है गाइस उस पर फर्स्ट हार्वेस्टिंग शुरू हो गई। तो गाइस फटाफट ये काम को भी निपटा दे, बाकी ये जो फार्म कितना ही ज़्यादा बड़ा है देख ही सकते हो गाइस, क्योंकि तो फटाफट यहाँ पे काम निपटा दे। और बाकी गाइस देख लो अपना जो बैलेंस है गाइस 7,90,000 डॉलर के पास पहुंच चुका है। और गाइस यहाँ पे ये जो दो फार्म है इनको भी अपना आराम से खरीद सकते हैं। तो गाइस ये जो फार्म है इसको 4,50,000 डॉलर दे के ख़रीद लेता हूँ, और अब ये बचा हुआ है तो गाइस इसको भी फटाफट गाइस 2,50,000 डॉलर दे के ख़रीद लेते हैं। और अभी भी गाइस यहाँ पे अपना बैलेंस देख लो 90,000 डॉलर के पास है। और गाइज यहाँ पे अभी यानी कि अपनी सिलो में थोड़ा बहुत यानी कि है, देख लेते कैनोला। और देख लो गाइज 65,000 किलोग्राम जितना कैनोला अभी अपनी स्टोरेज में पड़ा हुआ है। और ये कैनोला अभी अपने इसीलिए भी नहीं बेचा क्योंकि गाइज अपने थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे जो प्राइस है वो ऊपर आ जाए इसीलिए। बाकी मतलब क्या ही ज़बरदस्त, 24,24 लाख डॉलर के आज के दिन में अपने फार्म खरीद लिया। बाकी अपना जो काम अपने ने बोला था फार्म खरीदने का, और सबसे बड़ा वाला जो फार्म था वो भी अपने ने खरीद लिया जो ये वाला हैगा। बाकी गाइस यहाँ पे जो अपने ने काम बोला था वो अपना हो चुका है। तो हम आपसे मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो को गाइस यहीं पर समाप्त करते हैं।